मंगलवार के दिन कर लीजिए दो लोगों का यह प्राचीन काल की समी का महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से तुरंत ही आपको मिल जाएगी मुक्ति। बजरंग बली जी की ऐसी कृपा मिलेगी जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से आपका घर भर जाएगा। और मंगलवार के दिन लोगों का यह प्रयोग जीवन की सभी मुश्किलों से आपको बाहर निकाल देगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार जीवन हमसे अग्नि परीक्षाएं लेता है और इतने कष्ट देता है कि हम टूट जाते हैं। क्या टूट जाना सही है या फिर उससे बाहर निकलने के लिए कोई उपाय करना जरूरी है? इस वीडियो में हम आपको लौंग से किए जाने वाले उपाय बताएंगे। विशेष रूप से इसका प्रयोग मंगलवार को किया जाना चाहिए। दोस्तों, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। उसी प्रकार से मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे सर्वोत्तम दिन माना जाता है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों और शास्त्रों में मंगलवार के दिन को एक चमत्कारी दिन के रूप में माना जाता है। इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको हजारों गुना लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और इस दिन खास तौर से आप हनुमान जी की सबसे प्रिय चीज लौंग का यदि उपाय करेंगे और उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि लौंग हनुमान जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसकी वजह बताई जाती है कि लौंग का आकार बिल्कुल हनुमान जी के शस्त्र गदा की तरह होता है, इसीलिए हनुमान जी को लौंग अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों, लौंग का उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़िए उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आ रही है, ये उपाय पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे कि प्रभु श्री राम की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, हनुमान जी महाराज हुए, दुर्गा माता हुई और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी हुई, उन सभी की पूजा में अगर लौंग का उपयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। खासतौर से यदि हनुमान जी की पूजा में आप किसी भी प्रकार से लौंग का उपाय करेंगे तो उस उपाय का आपको हजारों गुना लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लौंग में कई प्रकार की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कई प्रकार के जो तांत्रिक होते हैं वो लोग लौंग की माला भी पहनते हैं। और अगर आप सिर्फ आज इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और लौंग के इन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, तो आप विश्वास कीजिए आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक दिन के उपाय के बाद चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर में बरकत होगी और आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, लौंग के इन उपायों को यदि आप सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो आपको आपके भाग्य का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप किसी भी प्रकार की नवग्रह की पीड़ा भी झेल रहे हैं तो आपको उस पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। राहु केतु आपका साथ देना प्रारंभ कर देंगे और आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति का भी यदि मंगल ग्रह मजबूत होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाता। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आप जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंग बली, जय श्री राम। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, आपसे एक और छोटी सी प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए, क्योंकि यदि आपकी राशि के अनुसार कोई खास उपाय मिलेगा तो वह हम आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बता देंगे। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है और आप देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक मंगलवार को ये छोटा सा उपाय कर लेना है जो कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पर यह नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़ाई मत करिए, आप पढ़ाई करिए, नौकरी की तैयारी करिए, क्योंकि दोस्तों भाग्य भी तभी साथ देता है जबकि आप मेहनत करते हैं। तो इसलिए आप मेहनत भी करिए और साथ ही साथ ये छोटा सा उपाय भी कर लीजिए।
मंगलवार के दिन आपको 4 लौंग लेनी है और एक नींबू लेना है और हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाने के पश्चात आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और अब आप जो यह नींबू लेकर आए हैं आपको इसके 2 भाग कर लेने हैं। आधे नींबू को आप वहीं पर बहा दीजिए और आधे नींबू में आपको 4 लौंग गाड़ देनी है। इस नींबू को आप अपने हाथ में पकड़िए और हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार कीजिए, क्योंकि हनुमान जी को 108 की संख्या अत्यंत ही प्रिय है। हनुमान जी का बीज मंत्र इस प्रकार है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओम हनुमन्ते नमः। अब एक बार दोबारा सुन लीजिए, ओम हनुमन्ते नमः। अब इसी आधे नींबू में जिसमें कि आपने 4 लौंग गाड़ी है, इसको किसी लाल कपड़े में लपेट लीजिए, मोले धागे से बांध लीजिए और अपने पास अपने बैग में रख लीजिए। जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं, तब आप इस नींबू को अपने साथ जरूर लेकर जाइए। अगर आप इतना सा उपाय कर लेंगे तो आप विश्वास कीजिए कि आपकी नौकरी में जिस भी प्रकार की परेशानियां आ रही थी, जिस भी प्रकार के दोष के कारण आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, वह सभी परेशानियां, सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय 111 में लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है घर की बरकत के लिए। यदि आपके घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद ही नहीं करते, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि जरूर किसी ने आपके घर पर कोई काला जादू करवा दिया है, काली विद्या करवा दी है, जिसकी वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है। और जिस भी घर में, जिस भी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, वह व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर के लोग हमेशा ही अपने जीवन में असफलताओं को देखते हैं। तो यह जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय कुछ इस प्रकार है कि आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। अब आपको हर दीपक में एक एक लौंग डालनी है और लौंग डालने से पहले आपको जय बजरंग बली जरूर बोलना है। बस आपको यही उपाय करना है और यह उपाय आपको प्रत्येक मंगलवार को करना है। आप 5 या 7 मंगलवार ये उपाय करके देखिए, आपके घर की हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, तीसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपके जीवन में आपको उसके अनुसार परिणाम नहीं मिलता है। जब भी आप धन संबंधी कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय में आपको घाटा पहुंचता है, आपका व्यापार चौपट होता चला जा रहा है, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह हो सकती है कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है। और जिस भी व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति को उसके जीवन में धन संबंधित परेशानियां और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए इस छोटे से उपाय को 5 मंगलवार लगातार कर लेते हैं तो आपके मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाएगी और आप जो भी निर्णय लेंगे आपको उससे फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों, बस आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि आपको 5 मंगलवार तक तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, अंडा, मांस, मछली। आपको इस प्रकार के भोजन का सेवन नहीं करना है। तो आप मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठें और चमेली का तेल, एक दीपक और 2 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप चमेली के तेल का दिया जलाएं और 2 लौंग हाथ में पकड़ने के बाद आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद यह जो 2 लौंग है वह जलते हुए दिए में डाल दें। यह उपाय आपको 5 मंगलवार तक करना है और 5 मंगलवार के बाद आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना प्रारंभ कर देगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति यह उपाय करेगा, भाग्य उसका साथ जरूर देगा। दोस्तों, चौथा और अंतिम उपाय है बीमारी से मुक्ति का महा उपाय। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, जिसका कि आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो बस आप 3 मंगलवार को यह छोटा सा उपाय कर लीजिए। यदि कोई व्यक्ति
किसी दोष की वजह से, किसी नजर की वजह से बीमार पड़ा हुआ है, तो दोस्तों हनुमान जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात्काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको सिर्फ यही करना है कि पहले मंगलवार को आपको 2 लौंग लेनी है और उस बीमार व्यक्ति के पास में जाएं और उसके सर के ऊपर से बाएं से दाएं ओर इस लौंग को घुमाना है और फिर इस लौंग को आप घर के बबाहर फेंक दें। यही उपाय आपको 3 मंगलवार तक करना है और इतना सा उपाय करने के पश्चात आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसकी सेहत में सुधार आने लगेगा और वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के ऊपर यदि कोई दोष, कोई जादू टोना होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। धन्यवाद।